कैसे हो? ठीक। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसके पहले भी हम एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं, लेकिन कौन सा? जिसमें कोई इंट्रोगेटिव वर्ड प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो, वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम पढ़ चुके हैं। अब आज कौन सा है? जब कोई इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में हो तो हम इस तरह के वाक्य को कैसे बनाएंगे? जैसे वह किताब क्यों नहीं पढ़ता है, इंट्रोगेटिव वर्ब बीच में नॉट आया है। जैसे वह वे घर कब नहीं जाते हैं, हम जल क्यों नहीं पीते हैं। तो आइए देखते हैं, जब इस तरह के वाक्य हों तो इनके फॉर्मेशन आए। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे और डू डज, हेल्पिंग वर्ब डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मेशन वही है जिसमें जो इंट्रोगेटिव का है, जिसमें कोई बीच में आया हो इंट्रोगेटिव वर्ब, उसका जो फॉर्मेशन है इसका भी वही है। बस क्या है, सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं वह किताब क्यों नहीं पढ़ता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे। यहाँ पे क्या क्यों, तो क्यों के मीनिंग वाई, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड फॉर्मेशन में आए। तो वाई ये हेल्पिंग वर्ब डू या डज, तो सिंगुलर के साथ डज लगता है, प्लुरल के साथ डू, आपको पता है। तो वो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट वह है, तो वह की क्या होगी? ही के साथ क्या लगता है? डज। तो डज फिर सब्जेक्ट ही, हमने क्या है सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, तो ही नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड द बुक। इसी तरह ये वे घर कब नहीं जाते हैं, तो इंट्रोगेटिव वर्ड की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे क्या है वाक्य में? कब, यहाँ पे कब है प्रश्नवाचक शब्द, कब, तो कब की क्या होगी? वेन। तो वेन वे घर नहीं जाते हैं, वे बहुत से लोग हैं, तो प्लुरल है, तो वे क्यों होती दे, तो यहाँ पे दे के साथ डू लगेगा। तो वेन डू, फिर सब्जेक्ट दे, फिर हमने कहा सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू होम, और क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम जल क्यों नहीं पीते हैं, तो वाई क्योंकि क्यों आया, क्योंकि वाई, फिर हम जल, हम बहुत से लोग हैं, प्लुरल सब्जेक्ट है हम, तो हम की होती है वी, वी के साथ लगेगा डू, तो डू सब्जेक्ट है वी, फिर नॉट, फिर ड्रिंक द वाटर। ठीक है, अब यही फॉर्मेशन यूज करके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आज से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, बुक से एक्सरसाइज लगाइए। अब थैंक यू, थैंक यू।